नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज हुए मतदान। धनतेरस पर राजधानी पटना में 1100 करोड़ का हुआ कारोबार। राइट टू एजुकेशन के तहत अब नर्सरी क्लास से ही होंगे नामांकन। बिहार में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ के पार। बिहार एनडीए के खेमे में एक साथ मनी होली और दिवाली। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। धनतेरस पर राजधानी पटना में 1100 करोड़ का हुआ कारोबार। विगत महीनों में लॉकडाउन व कोरोना जैसी आपदाओं से जो बाजार सूना पड़ चुका था, वो त्योहारी मौसम आते ही फिर से जगमगा उठा और बाजार की असली रौनक बीते दिन राजधानी पटना में देखने को मिली, जब धनतेरस के मौके पर लोगों ने भी जमकर धन बरसाए और शॉपिंग की। हनुमान के मुताबिक धनतेरस पर पटना के लोगों ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है। यहां के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में डायमंड सेट, सोने के हार, बिस्किट, रिंग, चेन अधिक मात्रा में खरीदे गए, तो वही एक दुकान से 85 लाख का हार बिका। तो दूसरी तरफ एक बड़े कारोबारी ने 1,35,00,000 की BMW कार रांची से मंगवाई। पटना की फोर व्हीलर गाड़ी के शोरूम से 1,000 से ज्यादा और टू व्हीलर वाहनों की शोरूम से 2,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी बीते दिन दी गई। राइट टू एजुकेशन के तहत अब नर्सरी क्लास से ही होंगे नामांकन। निजी स्कूलों में पढ़ने को इच्छुक गरीब घर के बच्चों के लिए खुशखबरी है। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार, जिसके तहत हर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती हैं, ये अधिकार अब नर्सरी क्लास से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले यह क्लास 1 से लागू होता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 1 से नहीं बल्कि नर्सरी से ही 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके मुताबिक 3 साल से 18 वर्ष के वंचित बच्चों को निजी स्कूलों में यह लाभ मिलेगा। आपको बताते चले कि इसे लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर तैयारी शुरू है और सभी निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है। छठ में बिहार आने के लिए चलेंगी 12 अतिरिक्त पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां। बिहारी लोक आस्था के महान पर्व छठ में दूरदराज से लोग बिहार पहुंचते हैं, तो ऐसे में यात्रियों के विशेष ख्याल रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन मंगलवार को 6 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन केवल छठ पूजा को लेकर चलाने का ऐलान रेलवे ने किया है। इसके तहत जम्मू तवी कटिहार स्पेशल ट्रेन 5 नवम्बर को चलेगी, तो वहीं वापसी में कटिहार से 6 नवम्बर को रात 12:15 बजे रवाना होगा। अमृतसर बनमक्खी स्पेशल ट्रेन 5 नवंबर को परिचालित होगी, जो कि छपरा हाजीपुर शाहपुर पटोरी के रास्ते अगले दिन शाम 5:30 बजे बनमनखी पहुंचेगी। वापसी में बनमनखी से 7 नवंबर को सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी। आपको बताते चले कि इन दोनों ट्रेनों के ट्रेन नंबर बदलकर आगे भी पूजा तक परिचालित किया जाएगा। शहीद ऋषि रंजन के सम्मान में सड़क का नामकरण किए जाने की उठी मांग। कश्मीर के रजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को हुई घटना में बिहार के बेगूसराय जिले के लाल शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन को शहादत अब तक लोगों को रुला रही है, तो वहीं 23 साल की छोटी सी उम्र में शहीद ऋषि रंजन को लोग सोशल मीडिया और अन्य तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच उनके नाम पर सड़क का नामकरण करने की मांग उनके गृह जिले बेगूसराय में उठ रही है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के पूर्व मेयर ने शहीद ऋषि रंजन को जिले का ऐतिहासिक पुत्र बनाने के लिए नगर आयुक्त को पत्र देकर उनके नाम पर शहर के प्रमुख हर हर महादेव चौक से पटेल चौक तक जाने वाले सड़क का नामकरण करने की मांग की है। साथ ही उनके घर तक जाने वाली सड़क का नाम भी उनके ही नाम पर नया नाम रखे जाने की मांग की, ताकि लोग जब भी उधर से गुजरे तो इस वीर शहीद का नाम जहन में छाप की तरह पड़ जाए, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी यह संदेश बन जाए। पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज हुए मतदान। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के वोटिंग आज सुबह से ही शुरू हुई, जो कि शाम तक चलने वाली है। मतदान को लेकर सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता केंद्रों पर पहुंच दिखे, तो वहीं इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। इस चरण में 37 जिले के 57 प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 7,862 मतदान भवनों में कुल 11,959 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि छठे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इस चरण के लिए कुल 83,280 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें से 37,989 पुरुष और 44,291 महिला उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होना है। बिहार में 5 जिलों से मिले 9 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 8 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज से 4 नए मरीज मिले हैं, पटना से 2 नए संक्रमित मिले, तो वहीं बेगूसराय, दरभंगा और नालंदा जिले से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98
6.66%। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा बह रही है, जिस कारण से तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं इस वजह से पूरे सूबे में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कार्तिक छठ में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहने का संभावना जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक छठ के दौरान कड़ाके की ठंड और भारी धुंध या फिर कुहासे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच तो वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान किया गया है। इस कारण छठ व्रती को सुबह और शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर ठंड से खास परेशानी नहीं होगी। हाईवे निर्माण में पेड़ों की कटाई को रोकने की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पर्यावरण से जुड़ी एक याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। यह जनहित याचिका नारायणपुर मनहारी पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर की गई थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिजाइंडर दायर करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा है कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने पेड़ों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दायर जवाबी हलफनामा दायर कर बताया गया कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 8340 पेड़ों को गिराया गया था और 2045 पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता ने भी याचिका के जरिए संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग की। इसकी अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। बिहार में कोरोना वॉरियर्स के साथ मनेगी स्वास्थ्य विभाग की दिवाली। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली का जश्न कोरोना वॉरियर्स के साथ मनाने का फैसला लिया है। कोरोना जैसी आपदा में मरीजों की सेवा हो या फिर रात भर जाग जाग कर वैक्सीन लगाने की बात हो, कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया है। इन योगदानों का सम्मान करते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कोरोना वॉरियर्स के साथ दीपोत्सव मनाने का फैसला लिया है। इसके तहत आज शाम 6:30 बजे पटना के IGIMS कैंपस में विभाग की ओर से कोरोना वॉरियर्स के बीच दीपोत्सव मनाया जाएगा। यह दीपोत्सव देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने और अपने राज्य में पहले डोज का टीकाकरण 5 करोड़ के पार होने पर मनाया जा रहा है। आज देर शाम आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दीघा विधायक संजीव चौरसिया के अलावे भाजपा के कई नेता और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ के पार। दीपोत्सव से पहले ही बिहार में जश्न मनाने की एक और बड़ी वजह मिल गई है। यहां के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाकर एक मुकाम हासिल किया है। बिहार में कोरोना टीकाकरण की पहली डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी खुशी जताई गई है। इस बड़ी उपलब्धि के बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण कार्य से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, उनका सर्वे वोटर लिस्ट के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनका टीकाकरण अवश्य किया जाएगा। बता दें कि बिहार में अब तक 6,87,65,841 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें टीके का पहला डोज 5,90,287 है, जबकि दूसरे डोज का टीकाकरण 1,86,75,554 है। पटाखों पर बैन के बावजूद पटना में धड़ल्ले से बिक रहे हैं पटाखे। इस बार राजधानी पटना समेत राज्य के 4 शहरों में बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पटाखों की आतिशबाजी पूरी तरह से रोक लगा कर रखा है। यह फैसला वातावरण में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने की वजह से बोर्ड ने लिया है, जिसमें पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शहरों में पटाखे बैन किए गए। बावजूद इसके पटना के कई बड़े इलाके में भी धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं। बेली रोड, बोरिंग रोड, राजा बाजार, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में खुले आम पटाखे बिक रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर पुलिस की मौजूदगी में भी पटाखों की दुकान सजे दिखे। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि ये सभी माल पुराने हैं जिन्हें बेचा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने भी साफ किया कि इस बार पटाखों की बिक्री पर रोक है और कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। बिहार एनडीए के खेमे में एक साथ मनी होली और दिवाली। बिहार विधानसभा चुनाव की 2 सीटों का रिजल्ट जैसे ही धनतेरस वाले दिन आया, वैसे ही दिवाली का माहौल होली में बदल गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने उम्मीदवारों की जीत से बिहार एनडीए के खेमे में पटाखों के साथ रंग गुलाल के साथ जश्न मनाए गए। इस जीत को लेकर सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता काफी खुश है। इस बाबत डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दोनों विधानसभा सीटों की मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है। इस जीत से एनडीए गठबंधन को नई ऊर्जा मिली है और आगे एनडीए जनता के भरोसे पर खड़े उतरने का कोशिश में जुटा रहेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के बड़े बड़े दावों को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा।
सुशील मोदी ने राजद कांग्रेस की हार पर ली चुटकी। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बीच अलगाव के बाद स्टार प्रचारकों का खूब बोलबाला दिखा, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों का जादू चल न सका। यहां तक कि सालों बाद उपचुनाव की खातिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी चुनाव प्रचार में उतरे, मगर राजद को हार मिली। इस बात पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुटकी ली है और लालू प्रसाद को फ्यूज बल्ब बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की विजय बिहार में सियासी अस्थिरता लाने वाले लोगों पर तमाचा साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव ने उस कांग्रेस को सबसे कड़ा सबक सिखाया जो टुकड़े टुकड़े गैंग के एक पूर्व छात्र नेता को शामिल कर जीत के मुगालते से भर गई थी। हार के बाद पुष्पमप्रिया चौधरी ने कहा, बिहार बदलाव के लिए तैयार नहीं। सूबे में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कई पार्टियों ने हार के बाद अपने बयान जारी किए। इस बाबत तारापुर सीट से अपने दम पर उतरी प्लुरल्स पार्टी को एक बार फिर निराशा मिली। उनके उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण की करारी हार हुई है। उन्हें नोटा से भी कम मात्र 834 वोट मिले, जिसके बाद पार्टी की प्रमुख पुष्पमप्रिया ने ट्वीट के माध्यम से बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी पार्टी उम्मीदवार तारापुर से चुनाव हार गए हैं बुरी तरह से, हम विनम्रतापूर्वक हार को स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि हमारी पार्टी को और भी मेहनत करने की जरूरत है, पर यह भी स्पष्ट है कि बिहार भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हमने एक मिशन बनाया है, उसे हम पूरा करेंगे। बस अफसोस है कि समय बर्बाद हो रहा है, हमारा भी बिहार का भी। भारतीय टीम के समर्थन में उतरे पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी। लगातार दो करारी हार के बाद टीम इंडिया की चारों तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज अजहर अली ने टीम इंडिया के सपोर्ट में बड़ी बात कही है। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज अजहर अली ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह भारतीय टीम के लिए सही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि टीम इंडिया टूर्नामेंट में बनी रहे। टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप से सबसे पहले बाहर होना टूर्नामेंट के नजरिए से सही नहीं है। अजहर अली ने इसमें चिंता वाली इमोजी का भी इस्तेमाल किया। अजहर अली के अलावे पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भी टीम इंडिया के सपोर्ट में अपनी बात रखी और ट्वीट किया कि मैं अब भी मानता हूं कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ टीम है, यह सिर्फ अच्छे या बुरे समय होने की बात है, लेकिन खिलाड़ियों और उनके परिवार को गाली देना भी शर्म की बात है। अंत में आपको भूलना नहीं चाहिए कि यह सिर्फ क्रिकेट का खेल ही है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जदयू की जीत से आप खुश हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते बिहारी न्यूज के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।